आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं और अभी क्या कहते हैं उसको, अभी खाना वगैरह मैंने बनाया है कि मम्मी और मस्तू लोग गए थे आज मौसी के यहाँ गुजिया बनाने के लिए। पहले तो हमारे साथ हाँ मतलब अक्षु को लेके गए थे और पता है अक्षु ने वहाँ पे मम्मी अभी बता रही वहाँ पे ना चुपचाप बैठा रहा, मतलब ऐसे यहाँ पे भी बैठा रहता है तो पता नहीं राय वाला ही नहीं बैठा रहता, ऐसा क्यों, ऐसा क्या राज होगा। तो अभी मम्मी लोग मतलब वहाँ से गुजिया बना के आ गए हैं, ऐसे मतलब साथ में मिलजुल के गुजिया बनाते हैं ना तो थोड़ा जल्दी भी बन जाती है और मतलब थोड़ा सबका काम भी मतलब इजी हो जाता है। तो अभी मौसी लोगों के यहाँ बनाई है, एक ने गोली बनाई, एक ने बेली, एक ने मसाला भरा, तो बस अभी फिर शाम को बनाएंगे हमारे यहाँ पे, फिर मम्मी दुकान में जाएगी, मम्मी दुकान से आएगी, कैमरा मैन थोड़ा मम्मी तब फिर हमारे यहाँ पे बनाएंगे। मौसी के यहाँ भी बन गई है और बस ये 5-6 लोग थे बनाने वाले हैं खाना, उसके बाद में लेंगे आपको गुजिया बनाते टाइम। और अभी तो अक्षू सो गया है, मैंने उसके लिए खिचड़ी वगैरह बना रखी थी, उसने खिचड़ी खाई और बस सो गया है। तो अभी आज मैंने बनाया है अरहर और अरहर मटर की दाल बनाई है और अभी खाते हैं खाना, फिर मिलेंगे आपको, नहीं फिर मिलेंगे आपको गुजिया बनाने के टाइम पे। और मैं तो आज शायद मतलब काफ़ी टाइम बाद गुजिया बना रही हूँ और बहुत साल बाद मैं अपनी यहाँ पे मतलब खाड़ी में होली मनाऊंगी, देखते हैं। वैसे हम इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते हैं होली, मतलब मुझे होली अच्छी लगती है लेकिन तब अच्छी लगती है जैसे सब मतलब मिलजुल के होली खेलते हैं ना तब अच्छी लगती है, और मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है होली बनाना, मुझे भी ज़्यादा अच्छी लगती है सर। अच्छा हाँ सही है, मुझे अच्छी लगती है लेकिन जैसे सब मिलजुल के खेले, यहाँ पे क्या करते हैं सब अपने घर में बैठ जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं और बस। तो अभी मम्मी रख रही है खाना, सो अभी मम्मी रख रही है खाना। आप देखो आपने तो ऐसे जला दिया ये बात, ओ प्लीज जलाया नहीं है मैंने, ठीक है ना। बहुत मैंने आज जीरा राइस बनाया, मतलब थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, ज्यादा भी नहीं डाला। के मस्त बोल लगी के अब मस्तू कह रही है कि हमारा जीरा ना ये सुन्नी खत्म कर रही है, तेरी तरह नहीं करती ना मैं। ये देखो मैंने आज अरहर मटका की दाल बनाई जो बहुत टेस्टी बनी है। अभी हो गया है हमारा खाना वगैरह भी, मम्मी चली गई है दुकान में और तब तक मम्मी ने कहा है कि मैं मैदा गूंद के रख दूंगी और क्या कहते हैं उसको नारियल और सूजी थोड़ा क्या करेंगे उसको भून के रख देंगे। बट उससे पहले मैं मुझे धोने हैं अक्षु के कपड़े क्योंकि अक्षु के बहुत पैजामे रहते हैं, मतलब मैं हगीज़ उस पर कम पहनाती हूँ ना तो अभी उसके बहुत सारे पैजामे हो रखे हैं धोने के लिए, तो पहले मैं धोती हूँ अक्षु के कपड़े, उसके बाद मैं सूजी और नारियल कर दूँगी फ्राई। और ये ले लिया है मैंने मैदा गूंदने के लिए, परात छोटी हो रही थी तो मैंने मौसी से बड़ी परात मंगा दी है और अभी डालेंगे इसमें दूध और थोड़ा सा रिफाइंड। मुन्नी मौसी आ रखी है अपनी बेटी को लेके ये ना बिट्टू का बच्चा है और बिट्टू ना उसे पहचान, बिट्टू सोच रहा है हमने ना नया कुत्ता ले लिया है, तो देख लो मुंह फेर दिया उसने, उदास होके बाहर किनारे बैठ गया, पापा ने इस पर रंग लगा दिया, ये देखो में। तो अभी मेरा मैदा भी मैंने गूंद लिया है और मैदा मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए, क्यों आपको सो अभी मैं कर रही हूँ ये फ्राई करूंगी मैं मसाला, मतलब नारियल और नारियल पहले नारियल फ्राई करूंगी फिर मैं सूजी थोड़ा भूनूंगी जरा।
और ये मसाला भी थोड़ा बहुत भून के आया है, इस कढ़ाई में ना पूरा नहीं आ रहा था तो अभी हमने बचा रखा है, इसको अभी थोड़ा और भूनेंगे। और ये देखिए यहाँ पे गुजिया का प्रोसेस कितना तेजी से चल रहा है। मौसी बेल रही है, मौसी भी बेल रही है। मस्तू क्या कर रही है? अच्छा काजल बेल रही है, मौसी गोली बना रही है, अक्कू मसाला, अक्कू और मस्तू मसाला भर रहे हैं। अब मम्मी ये देखो यहाँ पे ना पूरी गुजिया सेट करेगी, हम क्या कोई पहना कर। और ये देखो अभी अभी इतनी गुजिया बन गई है यहाँ पे, और अभी हम पहले यहाँ पे पूरा लगाएंगे उसके बाद हम गुजिया बनाएंगे। और ये देखो हम गुजिया बना के यहाँ पे हमने रख दिया, ये देखो कितनी सारी गुजिया बन गई है। अब मम्मी यहाँ से उठा रही है और यहाँ पे जो बस मम्मी यहाँ पे फटाफट करके तल रही है गुजिया। और ये देखो मम्मी कितने प्यार से गुजिया तल रही है। मम्मी थोड़ा आराम से, ठीक है? और ये देखो ये कौन है? सो फाइनली हमारी गुजिया भी बन गई है, बस लास्ट रह गई है, थोड़ी सी रह गई है प्लेट में, ये डालेंगे अभी। और अभी हम बना रहे हैं अच्छू के लिए थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज। एक दिन मैंने बनाई थी तब तो खाई थी उसने, आज देखते हैं खाता है या नहीं खाता है। और मैंने आज बिल्कुल अपने बाल चंपू कर लिए हैं, मैंने सोचा कोई कलर ना लगा दे। और ये फाइनली हमारी सारी गुजिया बन गई है। और ये जो ऐसे डिज़ाइन वाली गुजिया है ना, ये इनका डिज़ाइन ना मैंने क्रिएट किया है, मुझे ना अच्छा लगता है गुजिया में ऐसा डिज़ाइन दिख नहीं रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपनी सारी गुजिया, और इस टब में हमारी सारी गुजिया देखो। अभी हमने इनको ऐसे इशू नहीं, ये देखो पूरा टब भर गया है गुजियों से। अभी इनको भी डाल देते हैं, ये हमने लास्ट में बनाई क्योंकि थोड़ा मतलब मोटी रहती है ना मशीन वाली, ना थोड़ा बारीक सी रहती है, बस इनको भी ढक देंगे। फ्रेंड अभी हो गया है हमारा खाना वगैरह भी, और आजकल हमारा खाना ना बहुत लेट हो रहा है क्योंकि अभी टाइम हो गया है 11:30। मम्मी मेरे को ऐसे देख रही है। सो अभी हम सोएंगे नहीं, फिर अभी हम ऐसे अक्षु साथ खेलते रहेंगे क्योंकि अभी अक्षु भी नहीं सोया है, उसे दूध पिला रही है। और हमारी गुजिया भी बन गई थी, और आज मैंने ना मतलब पहली बार मैंने घर की ना बहुत सारी गुजिया खाई है, क्योंकि मुझे ना घर की गुजिया इतनी पसंद नहीं आती थी, मुझे मतलब शॉप की ही गुजिया अच्छी लगती थी, वो भी वहाँ की इसलिए अच्छी लगती क्योंकि उनमें थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है ना इसीलिए। बट आज तो मैंने खा ली घर में बनी हुई, मतलब मैंने बनते बनते छः मतलब जब गुजिया बन गई थी उसके बाद से और अभी तक मैंने पूरी 6 गुजिया खा ली है, पहली बार ही खाई है मैंने ऐसे भी इतनी। अदरवाइज मैं खाती नहीं, मतलब मुझे लगती नहीं है कि घर की मतलब मुझे लगती नहीं है अच्छी, बट इस बार तो खा ली। सो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब मैं कल का ब्लॉग बनाऊंगी तो वो आप लोगों को परसों दिखेगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको आज विश कर दूंगी इस ब्लॉग में, सो दैट आप कल ब्लॉग देखोगे तो फिर तो मेरा होली का मैसेज आप सबको मिल ही जाएगा। हैप्पी होली।